हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव का रिव्यू, जो पुणे का कॉलेज है, वड़गांव ब्रांच है जो सियागढ़ की, उसके बारे में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि पूरी आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए जनरल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका कॉलेज का नाम है सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव पुणे, और ये जो कॉलेज था ये 1996 में बना था, और इसका जो DT कोड है वो है 6177, और इसका जो एड्रेस है वो है वड़गांव बुद्रुक और सियागढ़ रोड जो है वहाँ पे पुणे में। और इनका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और स्टेटस में जो है एक यूनिवर्सिटी एडेड कॉलेज है, और नॉन ऑटोनॉमस में आता है ये कॉलेज और नॉन माइनॉरिटी में आता है, तो आपको नॉन ऑटोनॉमस नॉन माइनॉरिटी। उसके बाद जो अफिलिएशन है इसका तो वो है सप्पू के साथ, मतलब जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है इसके साथ अफिलिएटेड है। और जो यहाँ पे डिग्री मिलती है वो है BE की डिग्री मिलती है। और हॉस्टल के बारे में जानोगे तो देखिए यहाँ पे हॉस्टल बहुत अच्छा है इनका, जो DY पाटिल के कॉलेज होते, तो देखिए टोटल जो है 2500 तक आपको यहाँ पे इंटेक मिलता है, उसमें से जो फर्स्ट ईयर के लिए 1000 सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। और गर्ल्स हॉस्टल देखोगे तो ये 2000 टोटल है, उसमें से 500 जो है फर्स्ट ईयर के लिए। और कनेक्टिविटी देखोगे तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है लोहगांव का, जो कि 20 किलोमीटर है, और जो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है वो पुणे का है, लगभग 13 किलोमीटर यहाँ से। और जो बस स्टॉप है सबसे नज़दीक तो है स्वारगेट का, जो कि 8 किलोमीटर है, तो कनेक्टिविटी इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है, मेन सिटी में आता है तो अच्छा कॉलेज है यहाँ पे भी। और जो कोर्स और उसके इंटेक है तो देखिए जो CSE है तो उसका इंटेक यहाँ पे 180 का है, सिविल इंजीनियरिंग भी 180, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 120 का इंटेक है, बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 270 इंटेक है, ENTC का 240 इंटेक है, और AI एंड डेटा साइंस का 120 एंड केमिकल इंजीनियरिंग का 60, तो इंटेक भी अच्छा है इस कॉलेज का। और फी स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है वो अगर ओपन में आते तो 134,000 तक आपको देने पड़ेंगे, SC ST में आते तो 10,000, EBC EWS में आते तो 78,000, OBC VJNT में आते हो तो 23,000 देने पड़ेंगे। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और डायरेक्ट सेकंड ईयर का देखोगे तो ओपन में आते तो 1,25,000, SC ST 10,000, EBC EWS 73,000, OBC VJNT लगभग 13,000 था, ये था फी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो प्लेसमेंट है इसका तो ओके इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं। और प्लेसमेंट का जो भी डेटा होगा इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो और कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो।